subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने मेंबर बलोचिस्तान असेंबली मंजूर अहमद काकन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबरा ने अपने मेंबर सूबे असेंबली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मेंबर बलोचिस्तान असेंबली मंजूर अहमद काकड़ की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई ने अपने मेंबर सूबे असेंबली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। मजीद इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकड़ से, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिये, मंजूर अहमद काकड़ बलूचिस्तान असम्बली के रुकन थे। ये उस वक्त मुनहरिफ हो गए थे जब वजीर अला बलूचिस्तान के खिलाफ, साबिक वजीर अला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के खिलाफ कुछ अराकीन ने बगावत की थी और उनके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक बलूचिस्तान असम्बली में लाई गई, तो उस वक्त उन्होंने पार्टी का सुलूक की खिलाफ वर्जी करते हुए उन उम्मीदवारों को वहां पे उनकी हिमायत की जो कि जिनकी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने हिमायत नहीं की थी, उन्हें पाबंद बनाया गया था कि वो पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक जो है वो मुतलका जो फैसले हैं उसको उस पर पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उससे इनहराफ कर दिया था और उसके मुखालिफ पार्टी फैसले के मुखालिफ उन्होंने वोट दिया था। इसीलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से राबता किया गया था पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से। तो आज उसी तनाजुर में उनको डिसीट किया गया है और चूंकि उनको उस फैसले के बाद बलूचिस्तान असेंबली में जब उन्होंने मुनहरिफ होने का जो ऐलान किया था उसके बाद उनको नई काबिना में भी शामिल किया गया था और उस वक्त वो बलूचिस्तान के वजीर रेवेन्यू के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब डिसीट होने के बाद उनको वजारत से भी हटा दिया गया है। ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकर, बहुत शुक्रिया।